नमस्ते दोस्तों, लिप टू ईट में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मेथी का ढेबरा। ये एक गुजराती डिश है, लेकिन अब सभी जगह ये खूब पसंद की जाती है और ये एक हेल्दी डिश है। ये बाजरा मेथी वगैरह से बनती है, तो ये गर्म भी होती है डिश। सर्दियां चल रही हैं तो गर्म हमारे शरीर को अच्छा रहता है खाना। इसके लिए हमें एक कप बाजरे का आटा लिया है और एक कप ये हरी मेथी लिए। इसको धोकर हमें बारीक बारीक काट लेना है। ये डेढ़ बड़ा चम्मच हमने मल्टीग्रेन आटा लिया है। अगर आपके पास ना हो तो आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। एक बड़ा चम्मच हमने बेसन लिया है। एक छोटा चम्मच हमने सफ़ेद तिल लिए हैं। ये आधा छोटा चम्मच हमने नमक लिया है, आप स्वाद के अनुसार ले लें। आधा चम्मच ही हमने ये कुटी हुई लाल मिर्च ली है। ये डेढ़ बड़े चम्मच हमने दही लिया है। ये पिंच भर हमने हल्दी ली, वो सॉरी हींग ली है। और एक बड़ा चम्मच हमने तेल लिया है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक बड़ा बाउल ले लेंगे, उसमें हम सभी सामान मिला लेंगे। बाजरे का आटा मिला लिया, बेसन मिला लेंगे, मल्टीग्रेन आटा भी डाल देंगे, हींग भी डाल देंगे, तेल डाल दिए, नमक मिर्च भी डाल देंगे। अब इसमें हम ये मेथी डाल देंगे। इसको मार डाल के हम मिलाएंगे, हाथ से मिलाएंगे। अब इसमें हम एक हरी मिर्च काट के डाल देंगे और थोड़ा सा अदरक छोटा छोटा काट के डाल देंगे। आप इनका पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये मोटी मोटी काट के डाल दी। अब इसमें हम ये तेल डाल लेंगे, इसको अच्छे से हम मिलाएंगे। इसको हमें थोड़ा सा कड़ा भूनना है, बहुत सॉफ्ट नहीं भूनना है। तेल हमने मिला लिया है, अब इसमें हम ये दही डाल के मिला लेंगे। दही को भी हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इस थोड़ा सा हम पानी डाल के आटे को गूंथ लेंगे। ये नॉर्मल पानी लिया है हमने। ये आटा हमारा गूंथ गया है, देखिए। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और एकदम टाइट भी नहीं हो रहा है। ये हमने आधा कप पानी लिया था, इसमें तीन चार चम्मच ही पानी गूंदने में लगा है, क्योंकि मेथी में भी मॉइस्चर होता है। और दही भी डाली थी हमने और तेल भी डाला था, तो ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं होगा। अब इसको हम ढककर रख देते हैं 10 मिनट के लिए, क्योंकि आटा थोड़ा सा फूल जाएगा। दोस्तों 10 मिनट हो गए हैं, ये आटा हमारा अच्छे से हो गया है। अब इसको एक बार और मल लेते हैं। अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेते हैं इक्वल साइज की। तो इसको हम टिक्की का आकार दे देते हैं, जैसे हम टिक्कियां बनाते हैं उस तरह का। आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से रख सकते हैं। देखिए ये मैंने इस तरह से गोल कर लिया है। इसी तरह हम सारी टिक्कियों को सेक लेंगे, वो बना लेंगे, गोल कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने टिक्कियाँ बना लिए हैं, अब इनको हम सेक लेते हैं। गैस पर हमने एक पैन में तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम ये टिक्कियाँ डाल देंगे और इसे एकदम सिम पर ही सेकेंगे, एकदम स्लो फ्लेम पर, तेज नहीं करेंगे। हम इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको थोड़े तेल में ऐसे कर रही हूँ।
गैस हम एकदम स्लो ही रखेंगे और इनको सुनहरा होने तक सेकेंगे। दोस्तों 3 से 4 मिनट हो गए हैं, किनारे थोड़े हमें ब्राउन ब्राउन लग रहे हैं, इनको अब हम बदल देते हैं। देखिए इसको हम इसी तरह से बदलते हुए सेकेंगे, ये बहुत टेस्टी लगेंगे खाने में, एकदम कुरकुरी। फ्लेम हम तेज नहीं करेंगे, नहीं तो वो ऊपर से सिक जाएंगे, अंदर से कच्ची रह जाएंगे। दोस्तों इधर से भी पकते हुए 4 मिनट हो गए हैं, इधर से भी बदल देते हैं और इनको हम सुनहरा होने तक ऐसे ही बदलते हुए सेकेंगे। अब 1 से 2 मिनट बाद हम इधर से भी बदल देंगे। फिर से हम बदल लेते हैं, देखिए बिल्कुल सुनहरी हो गई है। अब इसी तरह से हम इनको एकदम करारा कर लेंगे बदलते हुए। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है मेथी की। दोस्तों देखिए ये एकदम कुरकुरे हो गए हैं इनका कलर। इनको सेकने में कम से कम 15 से 16 मिनट लगे हैं। अब इनको हम गैस बंद कर देते हैं और इनको उतार कर हम सर्व कर लेते हैं। दोस्तों ये टेस्टी क्रिस्पी मेथी के ढेबे बनके एकदम तैयार हैं। ये गरम गरम खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, तो आप इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हम इनको सफ़र में भी ले जा सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और ऐसे भी हम सुबह शाम खा सकते हैं। इसको हम किसी भी मनपसंद अपनी चटनी के साथ खा सकते हैं या दही के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।